हैशटैग्स जो है ना उसी टॉपिक पे बने हुए हैं कि पीपल आर फ्रीकिंग आउट बिकॉज फ्यूल प्राइसेस कहां से कहां पहुंच गई हैं, उसके अलावा दीगर कमोडिटीज जो है उनकी प्राइसेस भी काफी ऊपर गई हैं, डॉलर महंगा हो गया, मतलब ये चीजें ना एवरेज बंदे को तो बहुत इफेक्ट करती हैं, ठीक है, और जब एवरेज बंदे को इफेक्ट करती हैं तो बिजनेस को भी इफेक्ट करती हैं, बिजनेस को इफेक्ट करती हैं तो हर चीज को इफेक्ट करती हैं, यानी इवन एक बंदा जो मतलब गलियात में समोसे बेच रहा है ना फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये मेरे साथ हुआ इसलिए मैं बता रहा हूँ गलियात की एग्जांपल की भाई यार, इसलिए देखो क्योंकि मुझे फ्रेश एग्जांपल है सर, वो सुन ले ना, सुन ले बात ये कि मैं आई थिंक नथिया गली में कहीं समोसे लेने के लिए रुका, समथिंग लाइक दिस, तो वो समोसे पकौड़ों का कोई सीन था, अंडे वाले पकौड़े थे, कहा था मुझे एग्जैक्टली अब याद नहीं है, तो कुछ रुके तो जब उससे प्राइस पूछी तो उसने बहुत रिडिकुलस प्राइस बताई, तो मैंने कहा पता नहीं ये शक्ल देख के प्राइस लगा रहा है क्या कर रहा है, तो उसने कहा कि ये जी इतने का है, मैंने कहा यार इतना ये क्या बात हो, कहता सर डॉलर महंगा हो गया, मैं सोच रहा यार तुझे डॉलर से क्या फर्क पड़ता है, डॉलर महंगा हो गया तो यार समोसे क्यों महंगे हो रहे हैं यार, तो उसने कहा सर हम भी तो इंटरनेशनल मार्केट में होते हैं, रॉ मटेरियल यार पेट्रोल से आता है ना कार से, तो वो भी मुझे लगा कि शायद गाड़ियां जो है क्योंकि एवरीथिंग इज काइंड ऑफ इंटरकनेक्टेड राइट, मतलब डॉलर भी कनेक्टेड है फ्यूल, अब देखें जो फ्यूल बंदा इस्तेमाल कर रहा है वो कहता है जी मुझे बेसन और अंडे जो है वो तो शहर से आते हैं, तो वो जब यहाँ से यहाँ तक आते हैं तो उसकी फ्यूल कॉस्ट पड़ती है, मुझे फ्यूल कॉस्ट पर अंडा मुझे ज्यादा पड़ रही है, ठीक है ना, और उसके अलावा बेसन के पैसे ज्यादा पड़ रहे हैं तो मेरी कॉस्ट भी बढ़ रही है, सो द थिंग इज कि वो जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है ना इसका प्राइस ऊपर जाने का वो सारों को फील होता है। नाउ द पॉइंट दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज कि हम लोग किसी हुकूमत को बैश करने के लिए या फेवर में बात करने के लिए नहीं बैठे हुए, हम ये बात कर रहे हैं कि देखो यार हुकूमत चलो प्राइस ऊपर जा रही नीचे जा रही है, ये चीजें अप्स एंड डाउन लाइफ में होते हैं, द थिंग इज कि एक मुसलमान का एटीट्यूड क्या होना चाहिए विद रिगार्ड्स टू एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस, इस पे हम आज बात करना चाह रहे हैं कि चाहे चलो मतलब कोरोना आ गया, महंगाई हो गई और कोई चीज आ गई जो कि अकॉर्डिंग टू स्टीवन कवी वो कहते हैं ना कि थिंग्स विच आर आउटसाइड योर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, वो चीजें जो आपके दायरा इख्तियार से बाहर हैं क्या उस पर टेंशन लेना बनता है। सबसे पहले से आपने बड़ा अच्छा टॉपिक चूज किया आपने, पीपल लाइक टू हियर फ्रॉम अस, मुझे ना बड़े लोग कहते हैं कि आप लोग इन करंट अफेयर्स पे पॉलिटिक्स पे क्यों नहीं बोलते, क्या इस्लाम सिर्फ करेक्टर बिल्डिंग का नाम है ये वो, बट जस्ट वन डिस्क्लेमर कि हम इसलिए भी नहीं बोलते क्योंकि हमारी एक्सपर्टीज नहीं है, बिकॉज इकोनॉमी ये एक बड़ा एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है और इस वक्त क्या चल रहा है क्या कॉम्प्लिकेशंस इन्वॉल्वड है वो जाहिर है कि हमारी इसमें स्टडी नहीं है, तो डिस्क्लेमर ये कि ये कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है। दूसरा है कि बड़ा सेंसिटिव टॉपिक होता है, मैं कोई नसीहत करूंगा कोई अच्छी बात कोई पॉजिटिव बात कर दूंगा लोग कहेंगे जी पीटीआई का सपोर्टर, लोग कहेंगे जी सपोर्टर है, तो लोगों के ना जज्बात बड़े अजीब और बड़ा क्योस सा ना लोग किसी डब्बे में आपको डालना चाहते हैं कि एग्जैक्टली तो बस यही है कि कुछ जनरल बातें से अभी सबसे पहले तो जो कमेंट्स देखने को मिलते हैं ना टू बिगिन विद, मतलब मुझे लगता